हाय, दिस इज जिग्ना फ्रॉम टूटू केक्स। आज मैं आपके लिए इंडियन मिठाई के साथ फ्यूजन फ्लेवर में केक लाई हूँ, वो है मलाई रबड़ी केक। तो आज हम नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज में रबड़ी का फ्लेवर इन्फ्यूज़ करेंगे और उस पूरे केक को डेकोरेट करेंगे। केक का डेकोरेशन के लिए हमने यूज़ किया है न्यूट्रल जेल, या फिर जिसे पाइपिंग जेल भी बोलते हैं। तो एक आसान से तरीके से बहुत कम क्रीम के साथ ये केक आप रेडी कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। सो, इस रबड़ी केक के लिए मैंने लिया है एक वैनिला स्पॉन्ज। ये मैंने 6 इंच के टिन में बनाया है। इस स्पॉन्ज का जो ऊपर का हिस्सा है ये हम कट कर लेंगे और इसके 3 लेयर्स कर देंगे। लेयर कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड कटिंग नाइफ। आप नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए, या नॉर्मल जो नाइफ्स होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। 3 लेयर कट होने के बाद सबसे पहले इस स्पॉन्ज को हम करेंगे सोक। मैंने ये प्लेन वाटर यूज़ किया है सोक करने के लिए। सोकिंग होने के बाद इस पे हम अप्लाई करेंगे व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को स्प्रेड करने के लिए मैं पैलेट नाइफ यूज़ कर रही हूँ एंड स्लोली टर्न टेबल रोटेट करते हुए क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। क्रीम का लेयर इवन रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला लेयर नहीं बनाना है। अब फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच मलाई रबड़ी। तो ये जो मलाई रबड़ी है ये इस केक में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है, एंड अभी फ़िलहाल फेस्टिव के सीज़न में तो बहुत अच्छा लगता है ये फ्लेवर खाने में। ओके, तो मैंने ये स्पॉन्ज का दूसरा लेयर भी इस पर लगा लिया है एंड साइड गैप्स जो है वो फिल कर लिए हैं व्हिपिंग क्रीम के हेल्प से। अगेन हम इसे सोक करेंगे और बाकी का जो आइसिंग प्रोसेस है वो रिपीट करेंगे। ये जो केक है ये 1/2 किलो का बनेगा, जिसमें मैंने अराउंड 60-70 ग्राम्स रबड़ी यूज़ की है और क्रीम का क्वांटिटी अराउंड मैंने 200 ग्राम यूज़ किया है। ये हम स्पॉन्ज का लास्ट लेयर लगा लेंगे और इसे सोक करेंगे और फिर इसे इस केक को हम क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोटिंग होने के बाद क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है बिना किसी नोजल के और इस क्रीम को केक के ऊपर स्प्रेड करना है। ये प्रोसेस से आपका जो क्रीम एप्लीकेशन है वो पूरे केक पे इवन हो जाएगा। तो पूरे केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे और फिर इस क्रीम को हम लेवल कर लेंगे एक पैलेट नाइफ की हेल्प से। अब एक स्क्रैपर यूज़ करेंगे और केक के साइड वॉल्स जो है उन्हें भी अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम को हम हटा लेंगे केक के ऊपर से। अब केक को हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल जेल लिया है मैंने और वाइट कलर लिया है। न्यूट्रल जेल अराउंड मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है, जिसमें मैं 3 से 4 ड्रॉप वाइट जेल कलर ऐड करूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। न्यूट्रल जेल थोड़ा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा जेल रेडी हो गया है कलर करके, अब इसे हम केक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस न्यूट्रल जेल को मैं केक के ऊपर पोर कर लूँगी। सारा का सारा न्यूट्रल जेल केक के ऊपर एक जगह पे इस तरीके से हमें पोर कर लेना है। और अब रबड़ी केक है इसलिए मैं इसके साथ येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ और उसके कुछ ड्रॉप्स मैं इस तरीके से न्यूट्रल जेल के ऊपर डाल रही हूँ और पैलेट नाइफ के हेल्प से इसे रोटेट कर लेंगे। तो एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बन जाता है। तो आपको ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, नोज़ल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा केक रेडी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर दीजिएगा। थैंक यू।